हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर ली, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। आज का जो ब्लॉग है वो है जितिया। जी हाँ, जितिया नौमी का ब्लॉग है। जी हाँ, नौमी में पारण किया जाता है, तो यहाँ पे नौमी का ब्लॉग है, सुबह का ब्लॉग है। सुबह में ही पारण करना था, तो हम लोग सुबह सवेरे उठ के नहा धो के पूजा के लिए आ गए छत पे। तो यहाँ पे सुबह सुबह छत का व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ जो मैं आप लोगों को बताई थी कि ये जो सूप है वो सुबह तक रहेगा, तो देख सकते हो छत पे सुबह तक वैसे ही है। अब मम्मी पूजा करके उठाएंगी, और यहाँ पे मम्मी फ़िलहाल आरती दिखा रही है सूर्य भगवान को, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे। जी हाँ, नीचे सीधा छुआ जाता है, तो नहाने से पहले निकाला जाता है। दोनों लोग नहा लिए थे तो सीधा कौन निकालता है, तो इसीलिए हम लोग पैसे और यही फल छुए थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये है गुड़, गंगा जल और तुलसी पत्र इसमें रखा हुआ है, और कच्चा दूध। जी हाँ, साथ में कच्चा दूध भी रहता है ज़रूरी, तो ये है कच्चा दूध, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद सारा मिक्स कर दिया जाता है, तो यहाँ पे सारा मिक्स है, चारों मिला दिया गया है, और उसके बाद पारण किया जाता है। जी हाँ, तो देख सकते हो वो पारण कैसे करती है मम्मी, वो भी क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल अब मैं सीधा तो नहीं, लेकिन हाँ वही जो है छूने के लिए जो छुआ जाता है रिवाज, तो वहीं पर मैं छू रही हूँ। ये 5 बार छुआ जाता है, तो यहाँ देख सकते हो मैं छू रही हूँ। और उसके बाद मम्मी जो है वो पारण कर रही है, मैं अपना क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो मैं मम्मी का ही रिकॉर्ड कर ली, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी कैसे कर रही हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये जितिया का पारण? आगे भी बहुत सारा कुछ है, किचन में कैसे खाना बनाई हूँ वो भी आप लोग देखिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पारण करने के बाद देखिए मम्मी अब पुआ बनाएंगी। जी हाँ, मरुआ का पुआ बनाया जाता है। तो फिलहाल अभी मम्मी यहाँ पे पारण कर रही हैं, और यहाँ देख सकते हो मम्मी पीला जो सिंदूर लगाई हैं। जी हाँ, पूजा पाठ में पीला सिंदूर बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी लगाइएगा। और यहाँ पे देखो मम्मी जो है वो जितिया पहनी हुई हैं, और यहाँ पे फिलहाल मम्मी आ गई किचन में वो पुआ बनाने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले मरुआ पारण करने के बाद मरुआ का जो कुछ भी रोटी लोग खाते हैं बहुत जगह, और मेरे यहाँ मम्मी सिर्फ पुआ बनाती हैं। जी हाँ, पुआ हम लोग खाते हैं, उसके बाद ही कुछ खाएँगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पुआ बन गया है फाइनली। और यहाँ पे मैं जो वेटर था नहीं तैयार घोल का, जो उन्हें नहीं ले पाई थी पुआ का घोल का, तो थोड़ा सा था इसमें, तो मैं सोची कि उन्हें रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाऊं। और फिलहाल यहाँ पे दोनों सास बहू जो हैं वो किचन में हैं, देख सकते हो मम्मी क्या बोल रही हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये सब जो देख रहे हो ये आज खाना बनेगा। जी हाँ, पारण के रोज़ हम लोग के यहाँ खाना बनता है, दही बड़ा तो मेन है कि बनेगा ही बनेगा, और कढ़ी बनता है, और साथ में प्याजू है चना डाल के, भबरा मम्मी बोलती हैं वो, चना बॉईल करके। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली गाय के लिए निकाला जाता है। जी हाँ, गौ ग्रास जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकाला जाता है, और हमारे यहाँ डेली निकलता है रोटी। और यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जो है वो भबरा जो है वो छान रही हैं, इसमें प्याज डाली हैं, एक्स्ट्रा ऐड की है, बहुत ही अच्छा कुरकुरा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो वो कद्दू का, जी हाँ कद्दू का भी बन रहा है, और उसके बाद मम्मी ही बना रही हैं, देख सकते हो। जो भी फेस्टिवल होता है तो अक्सर मम्मी करती हैं, दोनों साथ में हम लोग कर लेते हैं, और ऐसे मैं ये करती हूँ फिलहाल, मैं और मम्मी किचन में, देख सकते हैं। आप लोगों का ये जितिया का निर्जला व्रत का प्लीज त्योहार प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मेरी मम्मी कुछ बोल दीजिए। मम्मी हेलो, कैसा निर्जला व्रत जितिया के आप लोग के रहा? हम लोग को तो बहुत अच्छा रहा, जो भी होगा वो कमेंट करके बताइएगा। खुश रहिए सदा, बने रहिए अपना परिव्रत के साथ, और ऐसे ही जितिया व्रत निर्जला करते रहिए, सुखी परिवार सबके भगवान रखे।